इस बाबू बन गए हैं बीजेपी के नंदलाल, नीतीश बाबू बन गए हैं बीजेपी के नंदलाला, रोए मीसा की महतारी ओ जमा बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमा, गाना है आपको, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमा। जो लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, अब बजाइए भाई साहब। जो नर ताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे या भारी, पीटो शर्मा और तिवारी ओ जमा, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाए, सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाए, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई अच्छे लोग, भारत में ऐसा होता है कि और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए, कवि से गर्दे हमें भिखारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना। कुछ लोग बीच में उठ उठ के गए किसी खाने पीने के चक्कर में, अब कोई उठे मेरे बीच में तो ये पंक्तियां सुनकर जाने की हिम्मत कर सके तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया तारी ओ जमाना, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले अकेले अकेले, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के जेल, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, बापू आसाराम सोचते राधे माँ आ जाए, सबकी अपनी इच्छाएं कि बापू आसाराम छोड़ सोचते राधे माँ आ जाए, बाबा राम रहीम जेल में हनी हनी चिल्लाए, बाबा राम रहीम जेल में हनी हनी चिल्लाए, डेरा निकला बंटा धारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की गाइए मजा लीजिए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। मुझे जब पद्मश्री मिली सम्मान मिला तो उस समय सम्मान वापसी का दौर शुरू हो गया, लोगों ने वापस करके शुरू कर दिया, तो मेरे कुछ दुष्ट किस्म के मित्रों ने मुझे भी भड़काने की कोशिश की कि तुम भी वापस कर दो, हाँ तो मैंने कहा मुझे जुगाड़ से थोड़ी मिला है, तुम वापस कर सकते, लेकिन मैंने जो जवाब दिया उस जवाब पर आपका समर्थन चाहता हूं, सबका सबका, अभी भी मुझे मजा नहीं आ रहा है, आएगा थोड़ी देर, मैं सबको बिल्कुल रंग दूंगा अपने रंग में, आप निश्चिंत रहे, टाइम थोड़ा कम है क्योंकि 2-3 घंटे में तो मेरा गला खुलता है, संजीव जी थोड़ा टाइम कम है मेरे, मैं फिर सुनाता हूँ आपको, मैंने जो तरीका निकाला कि एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो, जीनियस उत्तर लगे नंदलाल जी तो बताना, एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो, मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो, मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो, खाली है पूरी अलमारी ओ देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी कटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। जब जब मैं सुरेंद्र दुबे जी को देखता हूं ये पंक्ति मुझे याद आती है कि मोदी और ट्रंप का दुनिया में फैला हंगामा, मोदी और ट्रंप का फैला दुनिया में हंगामा, लेकिन आज हमारे संग में बैठे हैं ओबामा, क
लेकिन आज हमारे संग में बैठे हैं ओबामा, इनकी है कविता से यारी। आपकी आवाज निकलनी चाहिए। देखो कुर्सी की बलिहारी, ओ जमाना बदला जाए। मोदी जी ने नोटबंदी की, बड़ी हिम्मत का काम था। मैं उससे बड़ी हिम्मत का काम बताना चाहता हूं। आपको लगे कि वो होना चाहिए तो समर्थन करिएगा कि मोदी जी फिर नोट के बंदी सी हिम्मत दिखला दो। मोदी जी फिर नोट के बंदी सी हिम्मत दिखला दो। कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो। हाथ उठा के समर्थन करें जो लोग चाहते हैं। मैं एक मिशन की बात कर रहा हूं जो भारत के लिए जरूरी है कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो। कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो। पड़ जाओ दुश्मन पर भारी, ओ जमाना बदला। और अगर ये नहीं कर पाओ तो दूसरा तरीका भी मैं बताता हूं जो काफी आसान है कि मोदी जी फिर नोट। और दूसरा तरीका भी आपको अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। मोदी राहुल की शादी इस्लामाबाद करा दो। अच्छे क्या बात है बाबा। आप क्या सोच रहे हो कि ये जो साफे बनाए गए हैं ये उसी बारात की तैयारी कि पाकिस्तान में सब की ताक। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, रिश्ता जुड़ना चाहिए। पाकिस्तान कोई गोला बारूद खर्ची नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। मोदी राहुल की शादी इस्लामाबाद करा दो। खुश हो जाएंगे जरदारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो जरदारी, ओ जमाना बदला। जिस मन से आपने सुना है, मैं दो बंद और पढ़ता हूं अंतिम कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। पूरे अमेरिका में गया हूं। डेलस जब जब आता हूं मुझे मेरे भीतर एक अलग ऊर्जा आ जाती है कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। मगर आज डेलस के आगे सब कुछ लागा फीका। अपने लिए बजा दो तारी, ओ जमाना। मगर आज डेलस के आगे सब कुछ लागा फीका। अपने लिए बजा दो तारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। भारत विश्व गुरु बन जाए, ऐसी अलख जगा दो। भारत विश्व गुरु बन जाए, ऐसी अलख जगा दो। भारतवंशी हाथ उठाकर ताल से ताल मिला दो, कर लो। भारत विश्व गुरु बन जाए, ऐसी अलख जगा दो। भारतवंशी हाथ उठाकर ताल से ताल मिला दो। कर डालो पूरी तैयारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला। हाँ तो आपके असली हाथ तो छोड़ो, प्लास्टिक वाले हाथ भी थक चुके हैं, लेकिन सच में बड़ा अद्भुत और बहुत स्मरणीय कार्यक्रम किया है आपने। और जो दूसरे दौर में लोग बचते हैं वही असली लोग होते हैं। क्या बात है बाबा। जो थोड़ा हंसने, थोड़ा तमाशा देखने, व्यवस्था देखने या खाने पीने वाले हैं वो सब निकल गए। अब जो बच्चे हैं वो सब अच्छे लोग हैं। विनय जी और हमारे धर्मपाल जी सब लोग बड़े, ये पूरी की पूरी ह्यूस्टन की टीम बैठी है। चार्ली बाबू और स्वप्निल जी, संगीता जी, अरुण जी, हमारे डॉक्टर साहब, सब लोग पूरी सब तरफ मुझे पहचाने पहचाने लोग रह रहे हैं। तभी मैं सोच रहा था कि सीढ़ियाँ इतनी कम क्यों बिक रही हैं। नहीं मैं मजाक, ये सब हंसी की बात है। सतीश जी बैठे हैं, लेकिन ये सब लोग हैं जिनका इसने मुझे मिला है। शब्दों से ही हास्य निकालना होता है, कुछ ऐसा कहना होता है कि आपके होठों पे हंसी आए। लेकिन बहुत धीर गंभीर शायरी कर दी सरिता जी ने भी, और लगभग 40 मिनट पढ़ने के बाद मुझसे कहा कि 5 मिनट में ख़त्म करो, फ्लाइट पकड़नी है। तो मैं 5 तो नहीं, मैं तो सवेरे 5 बजे तक पढ़ने के मूड में। फ्लाइट तो कल भी जाती होगी। मैं कोशिश करता हूँ,
कविता के ढेर सारे रंग मेरे पास भी हैं, बहुत सारे कलर्स ऑफ पोएट्री। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं केवल हंसाऊं या मैं रंग दिखाऊं। हाँ, कुछ हंसना चाहते हैं, कुछ शायरी सुनना चाहते हैं, सुनाओ जैसा आपका मन हो। मैं सबकी मांग भरने की कोशिश करता हूँ। सबकी मांग भरने की कोशिश करता हूँ। हम हंसते हंसते विदा लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं शायरी जहाँ से ख़त्म की हमारे पंकज भाई ने, मैं शुरू करता हूँ। शायरी में वाह वाह करनी होती है, वाह 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 क्या कह दिया है, भले कुछ न कहा हो लेकिन वाह वाह तो जरूरी है। वाह वाह तो जैसे हवन करते हैं ना, तो बाद में स्वाहा बोलते हैं, मंत्र थोड़ी अपन को याद होते हैं। पंडित जी ने कहा स्वाहा तो स्वाहा कर दिया, तो वाह वाह स्वाहा है। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, बाबा लगे कि पहुंच रही है अब तक। और जो लोग चले गए अब उनकी बाबा तालियों की जिम्मेदारी भी आपके ही कंधों पे है। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो। क्या बात है, वाह वाह, कि अपना घर बनाने में कोई, जो लोग हाथ बंधे हैं क्यों बंधे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर बैठे हैं तो फिर बैठिए मन से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। एक शेर पहुंचाता हूं, एक कथा आप तक, और आपके पिता की यादों तक आपको ले चलता हूं एक पंक्ति से। कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। क्या बात है, वाह वाह, ये भी मेरा रंग है जिसका मौका कम मिलता है, बदनाम हूं थोड़ा हंसाने के लिए। कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न। ऐसा अभी भी लगता है कि जिन कंधों पर हमने बैठकर बचपन गुजारा है वो कंधे उस जहाजों से, उस आसमान की ऊंचाई से कहीं बड़े ऊंचे थे। कि जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। ईश्वर कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, भगवान कहाँ है, सब धर्म अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। इस फकीर, इस कलमकार की भी एक पता आप तक पहुंचाता हूं। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। क्या बात है, मेरा चेहरा शहर के, जागना सबके हाथ, कि मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। चार पंक्तियां और कहता हूं। कविता समाज सुधार का भी काम करती है। इस तरह की भी बहुत सारी पंक्तियां मैंने कही हैं, एक बानगी के तौर पे चार पंक्तियां कहता हूं। कि निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, है जिसकी जिंदगी अभिशाप वो वरदान कर देना। अगर हसरत है अपने बाद भी संसार को देखो, तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना। तो सांसें, ये मिशन है जो नेत्रदान, तमाम तरह के मिशन जो हमें करने चाहिए, एक संदेश भी। तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना। और चार पंक्तियां कहता हूं। सरिता जी ने भ्रूण हत्या पे बहुत अच्छी कविता लिखी है। मैं एक पंक्ति में तमाम सरकारें जो कहती हैं कन्या धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पंक्ति में मैं भ्रूण हत्या के खिलाफ बोलता हूँ। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुख
दुखड़े बीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, बेटी मारने। और ये जो हमारा संगम है, ये जो मिलन है, उसके नाम कहता हूं, कहीं आप कि तुम्हारे संग पल बीते वो जिंदाबाद हो जाए। वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। बहुत सारी शायरी भीतर से एकदम, कि हमारी आंख में जो ख्वाब है आबाद हो जाए। शहर से शायरी कैसे निकलती है वो बताता हूं, कि हमारी आंख में जो ख्वाब है आबाद हो जाए, जो पल बीते तुम्हारे संग जिंदाबाद हो जाए, जो पल बीते तुम्हारे संग जिंदाबाद हो जाए। अगर एक बार तुम मुझसे मोहब्बत से गले मिल लो, तो हम दोनों बने संगम इलाहाबाद हो जाए। तो हम दोनों बने संगम इलाहाबाद। शहर से भी शायरी निकलती है, बहुत सारे रंग है कविता के। एक रंग मैंने ये भी कहा जब मैंने वो बच्चों की संस्था शुरू की, वो भी एक संवेदना का रंग है। एक टुकड़ा सुनाता हूं। स्वागत स्वागत बहुत अच्छे। कई बार हम मंदिर जाने के राह में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, जो मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी होते हैं, उन कामों की याद में कहीं दिलाई है। एक दो बंद आपको सुनाता हूं, अलग फ्लेवर की करता है। स्वागत स्वागत बहुत अच्छा। ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, कि कहा है मुझसे ईश्वर ने, स्वीकार करना तो पूरे मन से, मरती हुई संवेदनाओं को जीवित रखने का काम कभी होता है। बहुत अच्छा। मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया, हम गए मस्जिद तो हम पर भी मुकदमा हो गया। नफरतों के दौर में चौपाए भी बांटे गए, गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान, और उनको पता ही नहीं कि वो क्या हो गई। तो ये जो नफरतों का दौर है, जो संवेदनहीनता का दौर है, कि एक्सीडेंट होता है सड़क पर और हम लोग आते हैं उसका मोबाइल उठा के भाग जाते हैं, पर्स निकाल के भाग जाते हैं, उनसे संवेदनाओं को जीवित करने का नाम, बचाए रखने का नाम कविता है। मैं कहीं संवेदनाओं तक पहुंचू तो मुझे बताना, कि कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना। क्या बात है। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना, तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है, जहाँ पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है। तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है, जहाँ पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है। वहीं पर एक बेवा दाने दाने को तरसती है, जो भूखी रात को सोए तो इंसानों पे हंसती है। उसी के पास बैठा हूँ, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उसको लगा जाना, कि जो प्रसाद लाए हो उसे आकर खिला जाना। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना, मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना। एक और दृश्य दिखाता हूँ, लंबी कविता है। एक दृश्य पानगिया दे रहा हूं, कि शहर का बीच चौराहा जहां शोरूम होते हैं, जहां फुटपाथ पर थक करके रिक्शे वाले सोते हैं, वहीं स्कूल के बाजू में पंडित जी का होटल है, कई बच्चे शहीदों के वहां का प्लेट धोते हैं। उन्हीं के साथ बैठा हूँ, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उनको लगा जाना, किताबें देख उंगली थाम के स्कूल ले जाना। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना, प्रभाव अच्छा आज मंदिर में नहीं आना, मैं मंदिर में नहीं हूँ। बड़ी लंबी कविता के कुछ अंश थे, जो बहुत सारी चीजें हमसे बातें करना चाहती हैं और हम उनको सुन नहीं पाते, तो ये संवेदनाएं जीवित बची रहे, इसको कोशिश भी कविता को करनी है, हमें भी करनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा बदनाम हूं कि मैं हंसाने वाला करूं, तो चार पंक्तियां मैं दूसरे रंग पे आता हूं। बहुत गंभीर, स्वागत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ऊंचाई पे कविता को लेकर आपसे एक बार जोड़ना चाहते हैं, बहुत श्रेष्ठ।
मुकद्दर में किसी के हूरे और अंगूर होते हैं। क्या बात है, वाह वाह। कि मुकद्दर में किसी के हूरे और अंगूर होते हैं, हमारे ख्वाब रोटी के भी चकनाचूर होते हैं, हमारे ख्वाब रोटी के भी चकनाचूर होते हैं। जवासर हद पे गोली खा के भी गुमनाम रहते हैं, सियासतदार जूते खा के भी मशहूर मशहूर होते हैं। और ये नई उम्र के लड़कों का संकट क्या है कि मेरी चाहत की लाइन पर ये सेटिंग कौन करता है। उनका जो दर्द है कि मेरी चाहत की लाइन पर ये सेटिंग कौन करता है, मेरी बालों पे ये छुप छुप के बैटिंग कौन करता है। तुम अपने फोन का रिचार्ज जब मुझसे कराती हो तो आधी रात को तुमसे ये चैटिंग कौन करता है। आधी रात को या मेरे स्वप्निल बाबू है, देखो इतनी शानदार जैकेट खुद नहीं केवल पहनते, हमें भी पहनाते। सच में बता रहा हूँ, हर बार स्वप्निल जी लाते हैं एक दो बढ़िया सुंदर सी जैकेट, कमियों को देके जा सकता है गजेंद्र जी ने जो पहन रखी हो। मैं तो आज मुझे भी दी उन्होंने, लेकिन मैंने कहा कि कहीं वापस ना मांग ले बीच में, तो मैं अपना कोट पहन के आया। चार पंक्तियां और सुनाता हूँ। मोदी जी ने नोटबंदी की, उस नोटबंदी से भी हास्य। मैंने लाल जी हर घटना से हास्य, हर जगह से हास्य निकाल सकता हूं। मोदी जी की नोटबंदी से हास्य कि मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो, आदमी थोड़ी बजा दो। मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकालो, बीबी को बदलने की भी। जब मोदी जी की सरकार बनी तो मैंने एक हास्य गीत लिया। देखो मोदी जी जैसे गरिमामान व्यक्तित्व से, ऐसे व्यक्तित्व से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने लोकप्रिय हैं, उनसे हंसी निकालना बड़ा कठिन काम है। भक्त इतने हैं कि वो नाराज हो सकते हैं। दुबे जी ने ऐसी कविता सुनाई, मुझे उससे भी हंसी निकला। दुबे जी ने सुनाया कि वो मल्लिका शेरावत थोड़ी देर के लिए बाबा रामदेव जी से योग सीखने गई और स्वामी रामदेव जी की एक आंख खुल नहीं रही। तो मैंने दुबे जी को आगाह किया, मैंने कहा ये बात अगर उनके पक्के भक्तों ने सुन ली तो तुम्हारी दोनों आंखें नहीं खुली। एक छोटा सा गीत मोदी जी पर और फिर क्लोज करता हूं कि कांग्रेस का तो हो गया बंटा थार रसिया। रुकी में उतनी सीटें भी नहीं आई कांग्रेस की जितने राजनीति के बच्चे। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद राहुल शनि ने राहुल गांधी को पत्र लिखा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, बोले इतना नुकसान तो हम भी किसी का नहीं करता। ये कांग्रेस का तो हो गया हो गया हो गया हो कई राज्यों में हुआ है। कांग्रेस का तो हो गया बनता थार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। कांग्रेस के लोगों को ताली नहीं बजा रहे, अगर कांग्रेस से जुड़े हो तो थोड़ी देर को सिखा दो, आज तो ताली बजा दो फिर बैठ कर। कांग्रेस के लोगों जो बोया वो भोगो, राहुल बाबा चिन्हम खाओ बैठ के को खोगो, राहुल बाबा चिन्हम खाओ बैठ के देखो खोगो। कलमानी है राजा बज गया सबका बाजा, चिदम्बरम से कहे सोनिया दिल्ली डांस दिखा जा, चिदम्बरम से कहे सोनिया दिल्ली डांस दिखा जा। तुम्हें भी हो गया मौनी सरदार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। सोच रहे हैं अन्ना सूख हो गए कन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना,
खुशी सुमती रानी रोए सोनिया रानी ऐसी चाल चली की सारे हो गए पानी पानी जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया मोदी ने बना ली सरकार रसिया कांग्रेस का तो हो गया बनता था रसिया देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोरदार रसिया जे गुजराती खाया ऐसा गाँव चलाया जापानी को गीता देकर बुलेट ले जापानी को हो सकता है खाली दे आयो लिख मिले जापानी को गीता देकर बुलेट ले आया घबराए ओबामा बनना जाए सुदामा ऐसा ना हो पैंट उतार के पहना दे पजामा रुपया डॉलर पर हो जाए ना सवार रसिया देखो मोदी ने बना ली सर सिया जोरदार रसिया खरी चीन की खटिया घूमट गई रुपया आक्रमण करने की सोच रहा था ओखला में इसलिए हमला नहीं किया कि ऐसा ना हो कि इधर हम हमला कर रहे हो उधर अमित शाह जाके हमारी सरकार ही पलट गया कि खड़ी चीन की घटिया बिहार का गठबंधन तोड़वाया तो बहुत लोगों ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि भाई शादी वाला भी तोड़वाते हो क्या कि खड़ी चीन की घटिया डूब न जाए लुटिया जो तो सब है चंगू मंगू होती है छह टिया विजुअल को वो तो सब है चंगू मंगू मोदी है छठिया मियां बिलावल लल्लू मेरे कांग्रेस हम बन के पूरा कश्मीर चाहिए मैं जवाब देता हूँ आपकी तरफ कि मियां बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का चिल्लू कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का चिल्लू शेरों से आगे है भाव 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 बेकार रसिया देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोरदार रसिया अमरीका था चीजा नहीं दिया था बीजा अब कहता है जीजा जीजा कर खा जाओ पीजा अब कहता है जीजा जीजा कर खा जाओ पीजा रामदेव की माया ऐसा पेट घुमाया पेट घुमा कर कांग्रेस का तो कर दिया सफाया रहे स्वदेशी का प्रचार रसिया और बेच रहे बंधन अचार रसिया देखो मोदी ने बना ली सरकार रसी अंतिम मंत्र पढ़ता हूँ गायत्री और कहिया कहती गंगा मैया अब तो जागो भारत माता करती गैया गैया अब तो जागो 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 भारत माता करती गैया गैया हो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाबी जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया वरना लालू जी से ले लो उधार रसिया देखो मोदी ने बढ़ा भागे देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोरदार रसिया कांग्रेस का तो मैं आखिरी छह लाइन यही से बोल अभी अभी मैंने मंच पे नई कविता का एक मुखड़ा लिखा है अरे नई कविता का एक मुखड़ा सुनाता हूँ जो मैंने मंच पे लिखा कि ओ नीली छतरी वाले दुआएं हैं पूरा हिंदुस्तान करे कि ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले करना है इतना कर दे खुशियों से छोली भर दे दुनिया में सम्मान रहे जनगण मन का गान रहे होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले।